जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं हेल्थ एंड हाइजीन, जिसके अंडर हमारा सेक्शन सेकंड है फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज। देखो, आपका जो हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स एज वेल एज इन योर रिपब्लिक डे कैंप्स में, जो आपके बेस्ट ग्रेड कॉम्पिटिशन होते हैं, या NSC, TSC, BSC, इन सब में भी इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, आपके बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे सिचुएशन से फेस करते हैं जहाँ पे हम लोगों को सामने वाले को फर्स्ट एड देनी पड़ती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट या कोई कलामिटी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैडेट्स हैं उनको एक बेसिक नॉलेज हो फर्स्ट एड की। इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स, भैया देखो, ये जो इंजरीज हैं, ठीक है, ये आपका तब सस्पेक्ट की जा सकती, मतलब देखो, सिर्फ ब्लीडिंग के थ्रू ही नहीं की जा सकती, क्योंकि भैया ये इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरीज है, जैसे कि आपका एब्डोमिन, हर्ट, लीवर, ठीक है, लंग्स, यहाँ पे आपका हो गया। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, इंटरनल इंजरीज के टाइम पे वो क्या देखे जा सकते हैं, कोल्ड, क्लैमी स्किन, ठंडी पड़ गई है स्किन, वीक, थ्रेडी, रैपिड पल्स, पल्स रेट बहुत हाई है या बहुत लो हो गया है, शैलो साइनिंग एंड ब्रीदिंग, ब्रीथ, सांस नहीं ली जा रही है ना, फेस पिंच हो गया, पेल पड़ गया, ठंडा पड़ गया, कहते हैं ना लाल, सॉरी कहते हैं पीला पड़ गई है शक्ल, वो चीज़, आईज एकदम अंदर संक कर गई हैं, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, पेशेंट आपका रेस्टलेस और एंग्शियस हो सकता है और बेहोश भी हो सकता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है कि जो पेशेंट है उसको गर्म रखा जाए, उसके फीट को ऊपर रेस कर दिया जाए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे, कोल्ड एप्लीकेशन लगाई जाए उसके इंजर्ड रीजन पे, चीयर करा जाए पेशेंट को, मैं थोड़ा उसका मोटिवेशन अप किया जाए, अरेंज किया जाए मेडिकल अटेंशन एज सून एज पॉसिबल। बर्न्स एंड स्कैल्स, आपका बर्न जो है ये हीट के थ्रू आपका पैदा हो सकते हैं, और बर्न्स जो हैं भैया ये आपका मॉइस्ट हीट जैसे ऑयल, हॉट वाटर, हॉट फ्लूइड्स, स्टीम, ठीक है, ये चीज़ें हैं होती हैं, ठीक है। केमिकल बर्न्स भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू आपका मतलब आ जाता है। बर्न्स अगर केमिकल हैं, ठीक है, तो भैया पानी इन पे आप लगा सकते हो, ठीक है, ताकि भैया जो केमिकल है वो हट जाए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, बैंडेज लगा दिया, ठीक है, या टॉवल या क्लोथ से उसे कवर कर दिया, कंप्लीट प्लेंटी रेस्ट दे दिया, फ्लूइड्स दे दिए, ठीक है, रीअश्योर करा पेशेंट को, ठीक है, और आपका पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ले गए अगर पॉसिबल है तो। सेकंड कम्स योर स्नेक बाइट, स्नेक बाइट रियली इंपॉर्टेंट, यार मेरे पेपर में आ गया था और बिलीव मी मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था इतना तुच्छा टॉपिक है क्या आएगा यार स्नेक बाइट के ऊपर, ठीक है ना, मेरे पेपर में क्वेश्चन बन गया था। स्नेक बाइट में भैया जो पॉइजन होता है वो इंजेक्ट किया जाता है स्नेक के थ्रू, ठीक है, आपका एक हॉलो या फिर डीप ग्रूव्ड प्लेसेस में, तो आपका जो मेजॉरिटी बाइट्स होती हैं ये आपका लोअर लिम्ब्स ऑफ द पार्ट में अकर करती है, जैसे आपका हैंड्स, फीट और लोअर लेग्स। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, देखो स्नेक बाइट के टाइम पे आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये होता है कि जो विक्टिम है, ठीक है, उसको पहले लेटा दिया जाए, ठीक है, उसको ये अश्योरेंस दिया जाए कि भाई तू नहीं मर रहा है, ठीक है, कि भैया वो उसको होता नहीं है यार अब मर गया वाला, ठीक है, मोटिवेट किया जाए पेशेंट को, अप्लाई किया जाए, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टेंट मतलब बेसिकली एक हैंकरचीफ, बैंडेज, ठीक है, ये सब चीज़ें ताकि जो पॉइजन है वो आपका पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ना फैले, टाइटली उसको बांध दो ताकि भैया जो जहाँ पॉइजन है वो वहीं रहे, ठीक है, वॉश कर दो सोप और स्किन को, ठीक है, पानी को अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, और आप सक कर सकते हो ब्लड या माउथ से या सक्शन पंप्स, मतलब सक्शन पंप से, ध्यान देना कि कोई कट या अल्सर ना हो माउथ में आपके, है ना, और इवैकुएट करो पेशेंट को फटाफट हॉस्पिटल में, अगर ब्रीदिंग फेल हो जाए तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की यूज करो। रैपिड डॉग बाइट, रेबीज़ एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है भैया, ठीक है, एक रेबी डॉग से आपको फैल सकती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है कि भैया इमीडिएटली वॉश करो पहले सोप एंड वाटर से, वूंड आपका क्लीन होना चाहिए एंटीसेप्टिक के साथ, ठीक है, डॉग और पेशेंट को भैया अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। फिर रेस्पिरेशन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ओके, तो अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो सप्लाई किया जाता है उनको, ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन और पॉज से मतलब कंसिस्ट करती है, कहते हैं ना डीप ब्रेथ लो, रोको अपनी सांस और फिर छोड़ो, वही चीज़ है। इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एयर होती है जो आपके अंदर जाती है, ठीक है, उसे लंग्स एक्सपैंड करती हैं, जब एक्सपिरेशन होती है तो लंग्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बाहर आती है एयर, है ना, तो ये चीज़ें हैं। फिर है आपका एस्फिक्सिया, ठीक है, कोई भी चीज़ जो इंटरफेयर करती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, ठीक है, उसको हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। कॉज क्या है, ड्राउनिंग, ठीक है भैया, पानी
कि मतलब पानी में डूब गया बंदा, ठीक है, तो आपका एयर पैसेज में वाटर चला गया है। हैंगिंग एंड स्ट्रैंगलिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एंट्री ऑफ एयर, सफोकेशन हो गया है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपका एंट्री में, ठीक है, एयर पैसेज की, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ओवरडोज हो गई ड्रग्स की सच एज स्लीपिंग पिल्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, डिजीज हो गई कोई, है ना। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिजीनेस एंड वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज, रैपिड पल्स, पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वेलिंग ऑफ इन द वेन्स एंड नेक, फेस, लिप, नेल्स, फिंगर्स एंड टोज आपके ब्लू हो जाते हैं। जनरल रूल क्या है आपका फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सफाइसिया, कि भैया रिमूव कर दो कॉज अगर पॉसिबल है, जो कैजुअलिटी है, ठीक है, उसको मतलब हटा दिया जाए बेसिकली। इंश्योर करो वहाँ पे पैसेज जो एयर का, ये नहीं कि सब लोग घुस गए बेचारे के अंदर, क्या हो गया क्या हो गया, थोड़ा जगह दो उसको, ठीक है, थोड़ा सांस लेने की जगह दो, ठीक है, उसको पीछे की तरफ लेटाओ, ठीक है, उसका जो पाम है, ठीक है, उसको सपोर्ट हो उसका मतलब नेक में, ठीक है, लिफ्ट करो उसकी टंग जो है, ठीक है, उसको मतलब स्पेस दो माउथ ब्रीदिंग के लिए। पेशेंट को नीचे लिटाया जाए, ठीक है, हेड आपका जो है वन साइड है, उसकी टंग बाहर निकालो, लूज़ करो क्लोथ को, ठीक है, फ्रेश उसमें एयर आनी चाहिए, ठीक है, जो ब्रीदिंग अगर स्टॉप हो गई है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो, कीप द एयर पैसेज क्लीन, नथिंग शुड बी गिवन बाय माउथ, ठीक है, रिमूव फॉल्स फीट, सॉरी फॉल्स टीथ इफ एनी, ये नहीं कि मुंह में शुरू हो गए रेस्पिरेशन देना, दैट इज़ नॉट डन, ठीक है, मतलब एक देयर शुड बी अनदर थिंग आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर शॉर्टली दिया जाए, टाइम पे दिया जाए, तो पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हॉल्जर नेसलस मेथड, अच्छा मतलब ये तीन मेथड है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी है आपका, ठीक है, स्कैसफर्स मेथड भी है कि कैसे कैसे आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, कोई कमेंट डाउट क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में लिख दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।